गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सर कौमिक पटेल फ्रॉम स्वामीनारायण गणका ग्लोबल, जय श्री स्वामीनारायण। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर 7, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स इन चैप्टर इन क्लास 7 इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स। वी हैव कंप्लीटेड प्रीवियसली, वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 7.1 एंड ऑल्सो वी हैव सीन कॉन्ग्रुएंस बिटवीन टू ट्रायंगल्स एंड हैव ऑल्सो सीन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन सिक्स पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, थ्री साइड्स टू थ्री एंगल्स। We will study criteria for congruence of triangles. आज हम देखेंगे criteria of triangle के congruence criteria है। There are फोर क्राइटेरिया, SSS, SAS, ASA, फोर फ्लॉर्स आर एच एस। सबका मीनिंग मैं आपको बताता हूं क्या है, ठीक है। इसमें SSS मतलब साइड 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 साइड, दैट मीन्स हमें यहाँ करना क्या है, मतलब छः के छः पार्ट हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। ये क्राइटेरिया में तीन पार्ट है, SSS में तीन साइड है। अगर तीन साइड कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंट है, पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस में है, एंड उसके बाद के जो तीन पार्ट बचते हैं, तीन एंगल बचते हैं, वो भी कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हमें मतलब जानना है। जैसे कि एस एक एस है, वो है साइड एंगल साइड, ठीक है। तो ये ट्रायंगल के तीन दो साइड वाले एंगल, ये पार्ट अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो बाकी के दो एंगल बचे या एक साइड बचे वो भी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ऐसे मतलब एंगल साइड एंगल, इसमें दो एंगल और एक साइड, मतलब ये दो ट्रायंगल है, दूसरे एंगल से दो दो एंगल, एक साइड एक कॉन्ग्रुएंट है, तो बाकी की बची दो साइड एंड एक एंगल भी होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ऐसा हमें मानना है। आरएचएस मतलब रेक्टेंगल, के बाद में हाइपोटेनस, हमें पता है हाइपोटेनस क्या है, सबसे बड़ी साइड, एंड ये साइड आरएचएस रूल, तो रेक्टेंगल हाइपोटेनस साइड, ये समझ में आ रहा है। ये नाइन्थ के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये सब चीज वापस से आपको टाइम में सबसे पहले हम पढ़ते हैं SSS। ये क्राइटेरिया के अंदर क्या है, देखो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे कि मैंने ट्रायंगल लिया, दूसरा भी ट्रायंगल लिया, ठीक है, थोड़ा अलग अलग दिखता है। मान लो कि ये साइड ए साइड, ए साइड से ए साइड, ठीक है। तो ये वाला क्राइटेरिया हमने पढ़ लिया, तो हम दूसरा क्राइटेरिया पढ़ते हैं ऐसे एस साइड एंगल साइड, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो क्राइटेरिया
ठीक है। चलो ये इसका ए है, बी सी डी ए। साइड एंगल साइड ध्यान से देखिएगा, मैंने ये एंगल लिया, मान लो कि 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री, ये एंगल लिया मैंने 60 डिग्री, ये एंगल लिया 60 डिग्री है, और साइड ये और ये इक्वल है, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे ऐसे क्राइटेरिया कभी नहीं, ये ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे दो साइड होनी चाहिए, राइट एंगल। तो देखो ध्यान से, ये साइड और ये साइड, ये साइड एंड ये साइड इक्वल है, ठीक है। मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो एंगल एंगल इक्वल है, एक साइड और इधर ये साइड और ये साइड और ये साइड, देखो यहाँ की दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। आप ध्यान से देखिए, ये एंगल है वो दो साइड के अंदर आ रहा है, जिसको बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। क्या बोलते हैं? इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एंगल साइड एंगल साइड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एएसए। सेम अगेन यही ट्राइंगल बोलेगा, मान लो ए बी सी 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, और ये वाली साइड इक्वल इक्वल है। ध्यान से देखा आपने, एंगल एंगल इक्वल, ये दूसरा एंगल दूसरा एंगल, और ए ए, और ये बीच में बीच वाली साइड चाहिए। आपने दो एंगल लिए और आप साइड ये वाली लोगे, तो ये सही नहीं है, ठीक है। दो एंगल के बीच में जो साइड है, जिसको बोलते हैं इंक्लूडेड साइड, बराबर इंक्लूडेड मतलब अंदर वाली, ठीक है। तो ये दोनों के एंगल के बीच जो एंगल की वजह से जो साइड जो है वही साइड होनी चाहिए, मतलब ये साइड होनी चाहिए, दूसरी और कोई होनी चाहिए नहीं। इसी तरह ये जो साइड है एंगल ये होना चाहिए, आप एंगल ये वाला और ये वाला लोगे चलेगा नहीं। जो दो साइड ऐसे बन रही है उसके बीच वाला एंगल चाहिए, और दो एंगल जो बन रहे हैं उसके बीच वाली साइड चाहिए, एंगल के बीच में साइड, मतलब दो एंगल इक्वल होने चाहिए और साइड भी इक्वल होनी चाहिए। मान लो ये 6 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये ऐसे क्राइटेरिया हो गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे आरएचएस रूल, लास्ट वाला राइट एंगल हाइपोटेनस साइड भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, वो भी नहीं आएगा। चौथा क्राइटेरिया है आरएचएस क्राइटेरिया, तो राइट एंगल के ऊपर की गई अप्लाई का पहली बात नहीं है, ठीक है। तो देखना राइट एंगल तो 90 है, ये हाइपोटेनस सेम होना चाहिए, मतलब ये हाइपोटेनस ये वाली सेम होना चाहिए, तो ये हाइपोटेनस है, मतलब आरएचएस भी क्या होना चाहिए, तो राइट एंगल क्या भी क्या है, मतलब बी एंगल के इक्वल है। दूसरा हाइपोटेनस हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, मेरा एसी हाइपोटेनस मेरा पीआर हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस में आएगा एसी बराबर पीआर, और कोई एक साइड नहीं चाहिए, या तो ये और ये साइड को इक्वल, या तो फिर ये और ये इक्वल हो, कोई भी चलेगा, समझ गए बात को, ठीक है। तो हम ये लेते हैं ये साइड और ये साइड इक्वल, कोई भी ये वाली इक्वल तो भी चलेगा, ये वाली इक्वल तो भी चलेगा, फिर 90
इक्वल टू इक्वी हो गया। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड आर एच एस रूल, ठीक है। तो हमने कॉन्गुएंसी के सब क्राइटेरिया पढ़ लिए हैं। अब हम अगली बार ये क्राइटेरिया के कुछ एग्जांपल्स वो तो देखेंगे, नहीं तो एक्सरसाइज 7.2 की तरफ हम बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 7.2 ट्राई करेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में ये क्राइटेरिया हमने पढ़ लिए हैं और आगे हम देखेंगे, ओके। तो ये क्राइटेरिया को आप पढ़िए और रिकमेंड कीजिए।